नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। टैलेंट आपने सुना होगा, टैलेंट बहुत लोगों में होता है और भिन्न भिन्न प्रकार का टैलेंट होता है, और उस टैलेंट को पहचानना या तो आपके खुद के हाथ में है या दूसरों के हाथ में। अब वो टैलेंट कैसे निखारा जाता है वो तो बाद में ही पता लगता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी वाह वुमन से मिलाने वाले हैं जो कि एक बेहतरीन टैलेंटेड वुमन है, और जो प्रोडक्ट्स ये बनाती हैं माशाल्लाह आप देख के दंग रह जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं शालिनी सिंह जी से। वेलकम शालिनी जी। थैंक यू सो मच। सो शालिनी जी, जैसे आपके प्रोडक्ट्स हैं और कैंडल्स हैं, पहले तो आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप बिलोंग कहाँ से करती हैं, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड एज सच। मैं लखनऊ से हूँ ओरिजिनली, बट बिकॉज आई वॉज बॉर्न टू एन आर्मी ऑफिसर। मेरे फादर एम्सी डॉक्टर हैं, अभी रिटायर्ड हैं, लखनऊ में सेटल्ड हैं। तो हर जगह, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री में रही हूँ। पढ़ाई हर जगह से हुई है, कॉलेज भी, पर ओरिजिनली लखनऊ से हूँ। अब हाँ, डेफिनेटली बिकॉज पेरेंट्स आर सेटल्ड है तो वापस लखनऊ ही जाना होता है छुट्टियों में। सो शाली जी, जो आप मुद्दे पे आते हैं, जो आप प्रोडक्ट्स बनाती हैं, हाँ जी, कैंडल्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके, क्या बताएंगी थोड़ा? बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था तो वैक्स से किया, कैंडल्स से किया, और बाकी चीज़ें जो वैक्स से बनती हैं, पैराफिन वैक्स हो गया, सोया वैक्स हो गया। पर अब बिकॉज मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, सो यू हैव टू गो ऑन ट्राइंग। Absolutely. And so I have moved on to doing decoupage on plates also. Then resin work. So unki cheeze banati hu. Okay. And khud hi banati hu. Maine koi training nahi li hai, khud hi ek bas one fine day I decided ki haan kuch kiya jaye, to khub YouTube channels dekhe, Google kiya, and dheere dheere dekhte dekhte seekhe. So aapko Shalini ji, ye kab pata laga ki aapke andar ye talent hai? किसी ने बताया आपको या आपको खुद पता लगा कि मेरे को आई शुड गो फॉर दीज कैंडल्स एंड प्लेट्स? नहीं, जैसे आपने बहुत खूबसूरती से शुरुआत में बोला ना, हिडन होता है टैलेंट, तो मेरे ख्याल से ये भी हिडन था। एंड बस घर में बैठे हुए, जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब चैनल देखा, कोविड का टाइम चल रहा था, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे घर में बैठे हुए, कुछ और कर नहीं सकते, तो देखना शुरू किया, एक्सप्लोर किया, एंड देन लगा कि हाँ हम कर सकते हैं, शुरुआत कर दी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभी गोइंग डाउन द लाइन, आपको मेरे ख्याल से कोविड यानी कि 2 साल हो गए? नहीं, ये स्टार्ट किया मुझे 1 साल, एक साल अभी सितंबर में 1 साल कंप्लीट किया। तो 1 साल के अंदर आपने अपना बिजनेस भी ग्रो किया, आई मीन बीइंग अ हाउसवाइफ, मैनेजिंग चिल्ड्रन, एंड आपने सब कुछ कर रही है, अपने घर को भी देख रही है। हस्बैंड तो चलो ठीक है, आर्मी ऑफिसर है तो ही गोज फॉर अ जॉब। तो ये सब मैनेज करते करते आप, आई मीन बिजनेस कैसे डेवलप हो रहा है अब? एंड इन फैक्ट आई एम श्योर दिवाली पे तो बहुत टफ रहा होगा। यस, एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी दिवाली का पीरियड था। ओके। एंड सितंबर, दैट सितंबर, तो उसके बाद दिवाली का पीरियड आ गया था। एंड लकीली आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, घर से ही, क्योंकि बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, नहीं नहीं यू मस्ट डू इट, उन्होंने तो पूरा मेरा, बड़ी बेटी ने, मैंने मेरा इस वेंचर का नाम बड़ी बेटी ने दिया। ओके। अनाहत ने। अनाहत ने। और दिस रिमाइंड्स मी, शालिनी जी का ब्रांड नेम दो है, एक तो है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या नाम मैं भूल गया, खुद ही बताए तो ज्यादा अच्छा है, एहसास भाई शालिनी के हम बारे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जो आपकी कैंडल्स है उसका नूर भाई शालिनी, नूर भाई शालिनी तो एहसास है, वो मैं बाद में बात करूंगा, वो भी हिडन टैलेंट है, वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन नूर भाई शालिनी जो है आपकी डॉटर ने नाम रखा है, बड़ी बेटी ने नाम दिया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारी कैंडल्स की, ये बात हो गई हमारी बाकी प्रोडक्ट की, आपने बिजनेस कैसे शुरू किया। How do you see going down the line, maybe 4 years, five years down the line? अब जैसे आपके हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है, so will your business get impacted by this somewhere? Actually, to be very honest, I really didn't start with the idea of a business. Of a business, yes, okay. Because passion tha, start kiya, and then it is growing. Growing, and, fantastic.
Yes, maybe. Definitely, I would like to move with my husband wherever he is going with my family because that's my utmost priority. But don't you think आपको कहीं ना कहीं affect करेगा in terms of your clientage क्योंकि आप आज एक location में हैं and दो साल बाद या एक साल बाद transfer होता है फिर आप एक नई जगह जाएं फिर वहाँ से आप zero से शुरू करें. Maybe it won't affect that much because मैं अभी भी तो courier करती हूँ. Okay, you're doing online. Yes, I'm doing online. Fantastic. तो लोकल में डेफिनेटली कर सकता है पर देन अगर मैं कहीं और होंगी तो मैं यहाँ दिल्ली कोरियर करूँगी. क्या बात है, पॉजिटिविटी तो भर रखी है इंडिया में और वही एक पॉजिटिव भी चीज़ है जो इंसान को आगे लेके जाती है. अब आते हैं शालिनी जी आपके दूसरे टैलेंट पर जो कि बेहतरीन टैलेंट है. जैसे हमने पहले नाम लिया उसका नाम है एहसास बाय शालिनी. ये दूसरा जो टैलेंट है मैं भी बहुत हैरान था जब मुझे पता लगा शालिनी जी एक पोएट भी और क्या खूबसूरत पोएट्री लिखती हैं. इनका इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और वैसे आपको बता भी देता हूँ एहसास बाय शालिनी इनका इंस्टाग्राम आईडी है. आप ज़रूर ज़रूर उसको जाके देखिए और वो पोएट्री पढ़िए. तो शालिनी जी आपको अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, पोएट्री कैसे शुरू हुई? ये मतलब एक ये मतलब दो टोटली वास्ट फील्ड्स हैं. ऑल्दो क्रिएटिविटी है दोनों में लेकिन थोड़ा सा मेरे को लगता है कि एक हैंड से काम करना और एक हैंड से लिखना लिंक कहीं ना कहीं है. बट हाउ डिड दिस पोएट्री केम इनटू योर माइंड? लाइक एहसास है, एहसास शब्दों में व्यक्त हो रहे हैं. पोएट्री में जवाब दे रही होगी, पोएट्री में ही आप जवाब दे रही हैं, व्हिच इज वेरी गुड. तो कब आपको रियलाइज हुआ कि हाँ मैं एक पोएट भी पोएट्री भी कर सकती हूँ? नहीं, बस ऐसे ही लिखते थे, कभी कभी कुछ ख्याल आ गए तो हाँ ठीक है उनको आप शब्दों में लिख दो. तो पर ऐसा कोई वो नहीं था कि वाज इट फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली या आपको लेटर ऑन? आई यूज्ड टू राइट जब मैं थोड़ी छोटी थी, मतलब नॉट वेरी छोटी, स्कूल में अबाउट 10th 12th में लिखती थी. 10th 12th में. लेकिन फिर जब मैं अपने हस्बैंड से मिली हूँ, अब हस्बैंड, पहले जब मैं उनसे मिली तो थी. तो क्या हस्बैंड एक रीजन है कि आपको पोएट्री में ज्यादा ध्यान आ गया? हाँ, हो भी सकता है. क्वाइट क्वाइट पॉसिबल. तो फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा. पोएट्री आप लोग जरूर देखिएगा और प्रोडक्ट्स तो हम आपको डेफिनेटली दिखाएंगे या हो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो से पहले एक छोटा सा क्लिपिंग भी बना दें. तो शालिनी जी अब गोइंग फॉरवर्ड आपसे एक सवाल है कि आप जैसी वुमेन, आप जैसी लेडीज घर में बहुत सारी बैठी हैं और उनके पास कुछ करने को नहीं है, मतलब करने को है लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोकती हैं. उनके लिए आपके क्या मैसेज है? क्योंकि हमारा चैनल बेसिकली उन लेडीज के लिए ही है जो आज घर में बैठी हैं, कुछ करना चाहती हैं, कुछ आइडियाज हैं, उनको एक इंस्पिरेशन चाहिए. आपके पास उनके लिए क्या मैसेज है कि उनको क्या करना चाहिए, चाहे वो पैशन को लेकर रिलेटेड हो, चाहे वो टैलेंट को रिलेटेड हो? नहीं, ये बात तो सही है कि सब में कुछ ना कुछ होता है. एब्सोल्युटली. एंड बस ये है कि उसको उभारना के लिए, बाहर लाने के लिए थोड़ा मेरे को लगता है जो फैमिली का सपोर्ट है, बेसिकली नियर एंड डियर वंस, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है. सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं बिकॉज देखिए अल्टीमेटली आप जब भी कुछ शुरू करते हैं तो आप यू आर नॉट गॉड गिफ्टेड, वो इतना ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं उभर के आता है. बिल्कुल. तो इट टेक्स टाइम. तो वो करने में जब तक अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, फाइनेंशियली हो या इमोशनल सपोर्ट हो, क्योंकि यू हैव टू डिवोट टाइम टू इट. करेक्ट. तो हार्डवर्क करने के क्षमता सब में होती है लेकिन जब तक आपको ये टाइम डिवोट करने के लिए भी तो आपको फैमिली से निकालना है, तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है. जैसे माय हस्बैंड एंड माय किड्स, व्हेन आई एम वर्किंग दे जस्ट डोंट डिस्टर्ब मी एंड दे से अच्छा मम्मा ये कर रही है, ओके दे टेक केयर ऑफ द किचन. माय हस्बैंड व्हेन आई गेट दीस बल्क ऑर्डर्स माय हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. सो दिस इज रिक्वायर्ड. दिस इज रिक्वायर्ड. यस. सो बहुत अच्छी बात कही शालिनी जी ने कि टैलेंट तो खुद के अंदर, किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो होता ही है और ढूंढना भी खुद ही को है, खुद भी ढूंढ सकते हैं. कई बार हमें दूसरे लोग भी बोलते हैं भाई आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप उसको निकालो. बिल्कुल बिल्कुल. तो दैट्स अ वेरी गुड थॉट शालिनी जी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. एंड इट वॉज जस्ट अ शॉर्ट डिस्कशन बट बहुत अच्छे इनपुट्स मिले आपसे. थैंक यू. एंड इट वॉज अ प्लेजर बीइंग देयर. एब्सोल्युटली माय प्लेजर टू. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और वाह वुमन से. और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाह वुमन वंस अगेन. लव यू ऑल.